नगरी सूरत से पिछले दिनों ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें डायमंड कंपनी के मालिकों ने 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। कर्मचारियों पर मालिकों द्वारा किए गए इस अत्याचार के खिलाफ अब डायमंड वर्कर यूनियन न्याय की गुहार लगा रही है। डायमंड वर्कर यूनियन के उप प्रमुख का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो रत्ना कलाकारों का क्या होगा। यहां तक कि मालिकों ने कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई करने की धमकी तक दे दी है। जो रत्ना कलाकार है उसको उसकी काम से तबादला किया गया था और उसको छुट्टी दे दी थी। तो दो दिन पहले हम सूरत कलेक्टर साहब को रजूआत किए थे कि आप मालिकों को बुलाइए और उसके साथ जो भी हो सके कारीगरों को अपना न्याय दिलाइए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। 24 कलाक का समय कंपनी ने दिया था। कल हमने कंपनी में 5 लोगों को मीटिंग के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ से ऐसा दिया गया है कि तुम्हें जो कायदा के कानून में जो है वो कर सकते हो, हम कुछ देने वाला नहीं है। तो ये लॉकडाउन की परिस्थिति में अगर ऐसी तो कंपनी ऐसा स्टेटमेंट देगी तो रत्न कलाकार जाएंगे कहाँ। और सरकार ने खुद ही बोला है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि लॉकडाउन के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी कोई भी कंपनी का मालिक निकालेगा नहीं, तो ये कहाँ का न्याय है। और अभी तक हम लेबर डेप्यूटी कमिश्नर के साथ पास आए हैं, जहाँ तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। कर्मचारियों को बेरोजगार करने वाले डायमंड कंपनी के मालिकों पर जू तक नहीं रेंग रही। यहाँ तक कि इस पूरे मामले की जानकारी सूरत कलेक्टर और डेप्यूटी लेबर कमिश्नर तक भी पहुँचाई गयी थी, लेकिन वहाँ भी इन 100 कलाकारों को निराशा ही हाथ लगी। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।